हेलो बच्चों, आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? यातायात के साधन के बारे में पढ़ा था ना, आपको याद है ना सब? ये चित्र और ये चित्र, आपने दोनों चित्र का पठन किया था ना मेरे साथ। तो आज मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ। यहाँ देखिए, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं, मैंने आपको लिखने के लिए बोला था ना घर पे कि आप भी ऐसे यातायात के साधन के नाम लिख के रखना, तो उस नाम में से उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत करना है हमें। यहाँ पर एक कोष्टक दिख रहा है आपको, क्या लिखा है इसमें? ये देखिए, दो पहिए वाले, तीन पहिए वाले और चार पहिए वाले, और यहाँ देखिए चार से अधिक पहिए वाले। तो सब में हमें अलग अलग नाम लिखने हैं। यहाँ देखिए, दो पहिए वाले यातायात के साधन में कौन से आते हैं साधन? तो कि साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, टांगा। तो ये सब दो पहिए वाले यातायात के साधन है जिसमें हम अवार नवार बैठे हैं। अब ये देखिए, तीन पहिए वाले, तो तीन पहिए वाले यातायात के साधन में तो एक रिक्शा ही आएगी। और कुछ आपके दिमाग में है तो आप लिख सकते हैं तीन पहिए वाले यातायात के साधन में। यहाँ देखिए, चार पहिए वाले यातायात के साधन, तो उसमें हमने लिखा है जीप, मोटर कार, ट्रैक्टर, ऊंट गाड़ी। इसमें से कई यातायात के साधन ऐसे है जिसमें हम नहीं बैठे होंगे, जैसे कि ट्रैक्टर है, ऊंट गाड़ी है, बराबर। तो यहाँ देखिए, चार से अधिक पहिए वाले यातायात के साधन, तो बस है, रेल है, टेम्पो है, ट्रक है। बस में आप सब बैठे होंगे, रेल में तो बहुत मजा आता है ना, मामा के घर पर हम जाते हैं तो रेलगाड़ी में जाते हैं, बस से जाते हैं, क्योंकि वह लंबा सफर है, इसलिए हमें इस तरह के कुछ यातायात के साधन में जाना पड़ता है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया, दो पहिए वाले यातायात के साधन, तीन पहिए वाले, चार पहिए वाले और चार से अधिक पहिए वाले। आप सबको भी इस तरह से एक सूची तैयार करनी है और ऐसे लिखना है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे, ये देखिए, ये दूसरा कोष्टक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवाई में उड़ने वाले यातायात के साधन, और यहाँ पर पानी में चलने वाले यातायात के साधन। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन में साइकिल, मोटर कार, रिक्शा, जीप, ट्रैक्टर, बस और अनेक साधन है जो रोड पर यानी कि सड़क पर आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, सड़क की बात हो गई, अब हवा में उड़ने वाले, तो हवा में उड़ने वाले साधन के नाम में है हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और रॉकेट। पानी में चलने वाले यातायात के साधन में सबमरीन है, जलयान है और नौका। जलयान यानी कि आपको पता है जलयान का गुजराती नाम क्या है? हाँ, जलयान यानी कि वहाण, गुजराती में इसको हम क्या बोलते हैं? वहाण। चलो, तो ये सब आपने देख लिया, ये सब की सूची आपको भी ऐसे ही तैयार करनी है। अब आगे यहाँ देखिए, आपको क्या दिख रहा है? यह यह टिकट है। यह किसका टिकट है? यह रेलगाड़ी का टिकट है। अब ये देखिए, ये क्या है? हाँ, तो ये बस का टिकट है। आप बैठे हैं ना बस और रेलगाड़ी में, तो यहाँ भी हमें इस टिकट के बारे में
कुछ प्रश्न है उसके उत्तर देने हैं। देखिए यहाँ पहला प्रश्न क्या है, यह क्या है, तो यह क्या है, तो यह टिकट है, तो इसका उत्तर क्या होता है कि यह टिकट है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। अब बस का टिकट कहाँ तक का है, तो बस का टिकट राजकोट से हदद चिलोड़ा का है। अब तीसरा प्रश्न क्या है, तो रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद, तो रेल का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक का है। बस के टिकट में किराया कितना लिखा है, बस के टिकट में किराया 51 लिखा है। अब रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए ये रहा, ये इंग्लिश में लिखा है और ये कितने लिखे हैं 204। तो रेलवे का टिकट का किराया 204 रुपए है। अब रेलवे के टिकट का दिनांक बताइए, दिनांक यानी कि तारीख, कौन सी तारीख को लिखा है यह टिकट, तो यह देखिए 11/11/2011। तो इसका जवाब क्या होता है, रेलवे का टिकट का दिनांक है 11/11/2011। बस और रेलवे के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है, तो नाव, दरियाई, पछि जहाज और हवाई जहाज, यह सब जगह पे टिकट लगता है। अब यहाँ पर देखिए, तुम किस प्रकार जाते हो, यानी कि किस साधन का उपयोग करते हो। तो हम मामा के घर पे जाते हैं तो बस का उपयोग करते हैं। आपको आपके बारे में लिखना है, आप किस यातायात के साधन का उपयोग करते हैं। अब सिनेमा देखने के लिए तो स्कूटर है, स्कूल जाने के लिए आप स्कूल में साइकिल लेकर आते हैं ना, फिर बाजार तो हम रिक्शा से जाते हैं। अब ये देखिए, तुमने इसमें से कितनी सवारी की है, अगर हाँ तो राइट और ना तो रॉन्ग, ऐसे चौकड़ी का निशान लगाओ। पहली सवारी कौन सी है, यहाँ पर चित्र में देखिए आप, ये घुड़सवारी है, आप घोड़े सवारी पर बैठे हैं, तो जो बैठे हैं तो यहाँ पे राइट करना है और नहीं बैठे हैं तो रॉन्ग करना है। कार में तो सब बैठे ही होंगे, तो यहाँ पर हमें ऐसे राइट करना है। अब यहाँ पर ऊंट है, तो ऊंट पर भी हम बैठे होंगे, तो यहाँ पर हमें राइट करना है। यह बैलगाड़ी है, तो इसमें आप शायद नहीं भी बैठे होंगे, तो बैठे होंगे तो राइट और नहीं बैठे हैं तो रॉन्ग। फिर यहाँ देखिए, यह तो रेलगाड़ी है, बड़ा मजा आता है रेलगाड़ी में बैठने के, तो रेलगाड़ी में तो हम सब बैठे होंगे, तो यहाँ पर तो हमें राइट ही करना है। तो बच्चों, यह स्वाध्याय में यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे, और अभी यह स्वाध्याय खत्म नहीं हुआ है, तो हम आगे भी यह स्वाध्याय की चर्चा करेंगे दूसरे लेक्चर में। ओके।